नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। वही खबर जयपुर से है। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज परिसर में रक्त विकास सहमति बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के तत्वाधान में किया गया। इस सर्वसम्मति बैठक में क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी, पीडियाट्रिक्स मेडिसिन, पैथोलॉजी, इम्यूनो हेमेटोलॉजी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, सर्जरी और फिजियोथेरेपी के विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य हीमोफीलिया और हीमोग्लोबो पेनोपैथोसिस से संबंधित रक्त विकारों के उपचार के साथ साथ रोकथाम के लिए सहमति पर पहुंचाना है। एजेस ऑफ आरईएचएस राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, हमने एक कंसेंसस प्रोग्राम ऑन ब्लड डिसऑर्डर्स को ऑर्गेनाइज किया है। मेन जो ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं वो होते हैं हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। बेसिक आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का बैकग्राउंड ये था कि अगर किसी फैमिली में हीमोफीलिया हो जाता है तो उसमें उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कंप्रोमाइज हो जाती है। किसी बच्चे में अगर थैलेसीमिया हो जाता है तो पेरेंट्स को उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और काफ़ी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्रोमाइज हो जाती है। आजकल नई नई टेक्निक्स, नई नई मेथोडोलॉजीज और नए ड्रग ट्रीटमेंट अवेलेबल हो गए हैं जो डायग्नोज होने के बाद हीमोफीलिया और थैलेसीमिया में दिए जा सकते हैं, जिससे बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंश्योर होगी। बस इससे भी इम्पॉर्टेंट आज का मेन उद्देश्य मीटिंग का ये था कि प्रीनेटल डायग्नोसिस होना चाहिए। हम कोशिश करें कि गेटिंग मैरिड कपल्स का स्क्रीनिंग करें, उनका काउंसलिंग करें और प्रीनेटल मींस प्रेगनेंसी में ही हम जेनेटिक टेस्ट करें। एक एमनियोटिक फ्लूड होता है उसको निकाल लें या एमनियोटिक विलाय बायोप्सी होता है उसका हम टेस्ट करें, ताकि इन डिजीजेस को होने से पहले ही हम उसका डायग्नोज करें, ताकि फैमिली का स्ट्रेस नहीं हो और एक चिल्ड्रन विद दीस चैलेंजेस और हैंडीकैप। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां जवाहर कला केंद्र में नाबार्ड की 6 दिवसीय राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जिसमें 19 राज्यों के 150 दस्तकारों ने 75 स्टॉल्स पर उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी का उद्घाटन कला, साहित्य, संस्कृति, पुरातत्व एवं पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने किया। रंगायन परिसर में श्रीमती गायत्री राठौड़ ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से लोकल कारीगरों को अपने ब्रांड और स्थानीय कला को ऑनलाइन प्रमोट करने में मदद मिलेगी। खास बात यह है कि इस 19 GI टैग उत्पाद भी इस प्रदर्शनी में लगाए गए थे। जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, आज से जवाहर कला केंद्र में 6 दिवसीय पधारो हमारे शिल्पग्राम प्रदर्शनी लगाई गई है। नाबार्ड और JKK के संयुक्त तत्वाधान में ये एक नवाचार किया गया है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे देश के जो जितने भी हैंडीक्राफ्ट पर्सन हैं, कारीगर हैं, दस्तकार हैं, उनको हम यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। JKK के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी लोक रंग, कभी कोई अलग अलग छोटे मोटे उत्सव करके रस रंग, ऐसे कार्यक्रमों में हम लोग हमेशा ही आर्टिसंस को देते हैं प्लेटफॉर्म। अभी इस बार ये है कि दिसंबर के महीने में नाबार्ड के साथ पहली बार कर रहे हैं, और आज हमने इनको यह भी सजेशन दिया है कि इसको एक रेगुलर फीचर बनाया जाए, क्योंकि जब भी इस तरह के मेले होते हैं जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट पर्सन अपने खुद के उत्पाद लेकर के आते हैं, लोगों में भी बहुत ज़्यादा उसके प्रति उत्सुकता रहती है, क्योंकि वो बहुत, जिसको कहना चाहिए, ऑथेंटिक होता है। जो खुद बना रहा है वही उसको अपना मार्केटिंग कर रहा है, तो उससे एक बहुत उन्हें भी इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं चाहूँगी कि अधिक से अधिक लोग आकर के इन कलाकारों से रूबरू। चित्तौड़गढ़ में पुलिस अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में नारकोटिक्स विभाग ने अवैध अफीम के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो चित्तौड़गढ़ के अधीक्षक प्रसाद ने बताया कि ब्यूरो को सूचना मिली थी कि एक युवक बाइक पर मादक पदार्थ लेकर जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपी को रोका और तलाशी लेने पर उसके पास से 3.5 किलो अफीम बरामद हुई, जिसकी कीमत 8 लाख रुपये बताई जा रही है। नारकोटिक्स को सूचना मिली थी कि ये एक बंदा, मोटरसाइकिल नंबर मिला था, ये बंदा, इस मोटरसाइकिल से एक बंदा आएगा जिसके पास इस तरह के मादक पदार्थ होने की संभावना थी। हम लोगों ने जा कर के, ये उदयपुर चित्तौड़ हाईवे है, इस पर एक होटल था, होटल के पास ही हम लोगों ने अपनी लगा रखी थी। सर्विस लॉन्च के दौरान ये आ गया और इसको रोक करके इसे जाँच पड़ताल की है, तो इसके पास 3.5 किलो अफीम पाई गई। अभी ये कहाँ से ले आया है ये ज़्यादा कन्फर्म नहीं हो पा रहा है,
और ये रहने वाला ये जेतपुरा कला चित्तौड़गढ़ जिले का ही भतेसर तहसील का रहने वाला है। आगे की इसके जो भी हैं जांच पड़ताल कर रहे हैं, ये कहाँ ले आ रहा था और कहाँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय सोहेला में तैयारियां जोरों पर है। सहायक कृषि अधिकारी गोविंद प्रसाद मीणा ने बताया कि विकसित भारत यात्रा में नैनो यूरिया समेत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने को लेकर कार्य किया जा रहा है। इस दौरान हमारे संवाददाता कजोड़ गुर्जर ने सहायक कृषि अधिकारी गोविंद प्रसाद से खास बातचीत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभाग भी अपनी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर कृषि विभाग भी अपनी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने में जुटा हुआ है। इस वक्त हम सोहेला के सहायक कृषि अधिकारी मौजूद है, उनसे जोड़ना चाहेंगे। देखिए सर, बात करें क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर किस तरीके का तैयारियों में जुटे हुए हैं, किस तरीके के इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, जो किसान है उनको किस तरीके से तैयार किया जा रहा है? देखो, विकसित भारत के बारे में अमर जीडी साहब ने पूरा प्रशिक्षण दे दिया। उसमें हर ग्राम पंचायत में हमारी टीम पहुँचती है और विकसित भारत यात्रा के तहत हमारी कृषि विभाग की जो भी योजनाएँ चल रही है उनको घर घर किसान तक पहुँचाना हमारा उद्देश्य है। उसमें जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड है, अब सॉइल हेल्थ कार्ड ही हमने पूर्व में जो लिए उनके सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण करेंगे, उनको समझाएंगे कि भाई सॉइल हेल्थ कार्ड का क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है। और हर ग्राम पंचायत हर ग्राम में से पांच मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड के सैंपल भी ले रहे हैं, तो वो भी ले रहे हैं। और दूसरी बात, जो भी हमारे विभाग में योजना क्रियान्वित हो रही है उसको किसानों को विस्तारपूर्वक घर घर जाके समझाने का हमारा प्रयास है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा का यही उद्देश्य है कि भाई हर किसान हर घर घर तक तुम्हारी योजनाएं पहुंचे। अब उस योजना में जैसे फार्म पाउंड है, पौरा सेट है, तारबंदी है, विशेष रूप तारबंदी का है। तारबंदी का हम किसानों को पहले ही बता चुके हैं, बार बार बता रहे हैं और करवा भी रहे हैं। तारबंदी का पूरा अच्छा लाभ ले रहे हैं, इसमें जितना भी हो सके हमसे कर रहे हैं और करेंगे, करते रहेंगे। आगे जैसे नैनो यूरिया है, अभी अंधाधुंध यूरिया का प्रयोग हो रहा है, DAP का प्रयोग हो रहा है। किसानों को ये जानकारी भी कम है भाई कितना तो यूरिया देना चाहिए, कितना DAP देना चाहिए। अब DAP का वैकल्पिक उपचार ही ये सोचा है गवर्नमेंट ने जो एक अच्छा है वो है। अब नैनो यूरिया का, नैनो DAP का जो भी है हम पूरा किसानों को बता रहे हैं, वहाँ प्रयोग करेंगे हर पंचायत में। जैसे हमारे 28 तारीख का मंडावर में है, तो 28 तारीख को मंडावर में हमारी टीम पूरी मौजूद रहेगी, वहाँ पर हमारा रिफ्लेक्स रहेगा, वहाँ पर हमारे उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे, तो किसानों को बराबर हम सेवा का मौका देंगे। देखिए, बात करें किसानों की, तो किसानों के दिमाग में भ्रांति है कि जो हम नैनो यूरिया उपयोग कर रहे हैं तो नैनो यूरिया से उनकी उत्पादकता घटती जा रही है। वहीं पे विभाग द्वारा छिड़काव की बात की जाती है, किसानों ने उसको वो पानी में पिला दिया, तो किसानों की जो भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए विभाग द्वारा किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं? देखो सर, ये किसानों की भ्रांति है, जहाँ तक ये फर्स्ट में तो इतना लेवल आएगा नहीं, लेकिन अपन लगातार प्रयोग करेंगे अपन नैनो यूरिया का। एक साल थोड़ी कम आएगी, दूसरे साल उससे ज़्यादा आ जाएगी, तीसरे साल अपना प्रोडक्शन बराबर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नैनो यूरिया का फर्स्ट में थोड़ा थोड़ा करके उसको छोड़ना पड़ेगा, बाकी करना तो पड़ेगा नहीं, कहाँ तक अपनी इसके वो पीछे जाएंगे। जैसे DAP बहुत महंगा बहुत मिल रहा है, उसको देना में बहुत परेशानी आती है। नैनो यूरिया का डायरेक्ट स्प्रे करो, 100% पूरा काम में आएगा वो नैनो यूरिया। नैनो DAP भी ऐसे ही है, तो नैनो यूरिया और नैनो DAP अपने को प्रयोग करना ही पड़ेगा। देखिए, बात करें विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर विभाग द्वारा किस तरीके के इंट्रक्शन मिले हैं और इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में किन मुद्दों को आप किसानों को लेकर जागरूक करेंगे, जिनको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं? देखो, किसानों को इस विकसित भारत यात्रा के तहत एक तो नैनो यूरिया का हम प्रैक्टिकल वो समझाएंगे, वहाँ पे हमारा ड्रोन भी हो सकता है, हमारी कोई स्प्रे मशीन है, कुछ भी हमारा साधन हो सकता है, उसमें प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे 5, 7, 8, 10 किसानों का। हमारे नैनो यूरिया के डेमोन्स्ट्रेशन दिए गए हैं तो उनको भी विस्तार से बताएंगे। और नैनो यूरिया में जैसे मिट्टी की संरचना के बारे में किसान को जानना अति आवश्यक है, तो उसके सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण करेंगे हम 5, 7 जो भी हमारे पास मौजूद है, और भी और आ जाएंगे नए सैंपल के, उसके आ जाएंगे, तो उनको विस्तार समझाएंगे भाई सॉइल हेल्थ कार्ड का मतलब क्या है। 10 किलो यूरिया लिया हो, 10 किलो DAP लिया हो, कितना लिया, अनाधुन से कर रहे हैं अपन,
जितनी डिमांड होगी उतना ही करना चाहिए ना अपने को भाई। सोयल हेल्थ कार्ड जैसे अपना स्वास्थ्य परीक्षण, अपना रिपोर्ट नहीं देते वही उसकी मिट्टी का सोयल हेल्थ कार्ड उसका परीक्षण है, उसके निचोड़ उसके अंदर, तो उसी को हम किसानों को समझाएंगे, मेन तो ये है। दूसरी बात, गवर्नमेंट सरकार द्वारा जो योजनाएं क्रियान्वित हो रही है उनको घर घर तक पहुंचाएंगे, किसानों को बताएंगे, अवगत कराएंगे। कई लोग जैसे तारबंदी को अभी तक भी पूरे किसान समझते नहीं है वह क्या है, कैसे ऑनलाइन कराते हैं, कितने कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितनी ज़मीन लगती है इसमें, तो वो पूरा उसमें किसानों को एक दिन पहले हमारा वो रहता है, हमारी टीम रहेगी, वो सबको बताएंगे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभान्वित करने की कोशिश करेंगे। देखिए बात करें तो नवती जी, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए किसानों को लेकर प्रमुखता से खबरें दिखाता रहा है और आगे भी इसी तरीके से प्रमुखता से दिखाता रहेगा, किसानों को अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे आप? किसानों को अंतिम संदेश यही देना चाह रहे हैं हम कि हमको खेती करने से पहले सोइल की जाँच कराना ज़रूरी है और सोइल हेल्थ कार्ड की रिपोर्ट के आधार पर ही खाद का, उर्वरक का, दवाई का ही प्रयोग करेंगे अपन। मेन चीज़ है ये सोइल हेल्थ कार्ड, दिखने में ऐसा है सोइल हेल्थ क्या है, लेकिन मेन चीज़ है सोइल हेल्थ कार्ड की रिपोर्ट के आधार पे ही हम कृषि करें, खेत में DAP यूरिया जो भी फर्टिलाइजर है वो उसका प्रयोग करें, अनुमानित से नहीं करें, ये मेन चीज़ है इसकी। बिल्कुल, किसान भाइयों को इन चीज़ों को और गौर से समझना होगा कि जो दवाइयों का उपयोग है, चाहे खाद बीज का उपयोग है, ये केवल जो सोहेल का कार्ड है उसके आधार पर ही करना चाहिए ताकि उनका उत्पादक अधिक बढ़े और उनको मिलने वाली योजनाओं का लाभ मिले और उन किसानों की भी आय बढ़ सके। कजोड़ गुजर, नवतेज TV, सोहेला टॉक। भरतपुर के रूपबास कस्बे के सिसोद गांव में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और विधायक को बुलाने की मांग करता रहा। युवक का कहना है कि वो विधायक के आने के बाद ही अपनी समस्या बताएगा। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी और SDA मौके पर पहुंचे और युवक को समझाने का प्रयास करते नजर आए। खबर कोटा से है, जहां किशोर सागर तालाब में एक छात्र का शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक के परिजनों और मीणा समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए नयापुरा थाने पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसकी जाँच पुलिस उप अधीक्षक लोकेंद्र पालीवाल को सौंपी गई है। साथ ही इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में SIT का गठन भी किया गया है। चौधरी ने बताया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, 4 दिसंबर को एक बच्ची की लाश किशोर सागर तालाब से मिली थी, जिस पर मर्ग की कार्रवाई नयापुरा थाने पे दर्ज करवाई गई थी। कल उस बच्ची की माताजी शाम को करीब 7 बजे मेरे से आकर के मिली थी और उन्होंने शक जाहिर किया था, कुछ नाम बताए थे कि मेरी बच्ची को या तो मार करके किशोर सागर तालाब में डाल दिया गया है या कुछ नाम जो वो बता रही थी उनके किन्हीं कारण से प्रताड़ना या दबाव के कारण में आकर के मेरी बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेरे द्वारा तत्काल निर्णय लिया गया कि इस मर्ग को मैं 302 के मुकदमे में परिवर्तित करूँ। तो तत्काल मेरे द्वारा कल ही आदेश निकाल दिए गए कि ये हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, चूँकि मृतका बच्ची जो है वो मीणा समाज से आती है, मीणा जाति की है, और जो आरोपी हैं वो SC ST से अलहदा हैं, तो धारा 3 भी उसमें लगेगी और ऐसे में इसकी तफ्तीश भी नयापुरा थाने से अलग CO SC ST श्री लोकेंद्र पालीवाल को दी। पर वो कोचिंग पहुंच ही नहीं पाई, तो रुद्र आया था मुझे बताने कि दिया कोचिंग नहीं गई। जब मैं कोचिंग गई तो कोचिंग नहीं थी, फिर 5:30 बजे कोचिंग आ गई थी, कोचिंग से फ़ोन किया जो कि मम्मी मैं घर पे आ रही हूँ, लेकिन वो घर पे नहीं आई। रुद्र का भी उसी टाइम कॉल आया था कि दिया आ गई, कि मैंने कि नहीं आई, कोचिंग आ गई, वो कोचिंग से निकलने वाली आ ही रही है घर पे, पर वो कोचिंग नहीं आई, घर नहीं आई। फिर उसके बाद सुबह मुझे पता चला कि वो तालाब में अखबार के जरिए कि दिया की मौत हो गई। राजी सुमन का लड़का है ये, साथ पढ़ता था क्या, पीछे करता नहीं, था? साथ नहीं पढ़ता था ये, बस पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कैसे जानता था कैसे नहीं, पर वो मैं उसी दिन मिला था मेरे से,
मुझे रुद्र रुद्र नहीं मारा है उसको, दिया को रुद्र अर्शिर और रुद्र दोनों का ही आते हैं इसमें। अभी हाल फिलहाल ही एक दिव्या मीणा नाम की एक नाबालिग बच्ची का शव जो है वो नहर में मिला था, तो जिसको लेकर पहले ही आशंका दिखाई जा रही थी कि भाई उसने आत्महत्या की, लेकिन जिस तरीके से जो दिव्या के परिवार के लोग थे, उनकी माँ उनकी बहन के साथ में कुछ आपत्तिजनक लोग जो है वो गलत तरीके से उनको धमकियाँ दे रहे थे, उससे ये कहीं ना कहीं ये साबित होता है और ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है। और इस वजह से आज हमने एसपी साहब के पास में संयुक्त रूप से हम लोगों ने ज्ञापन दिया और एसपी साहब ने हमें आश्वस्त भी करवाया है कि जल्द से जल्द इसकी पूरी जांच की जाएगी, जो भी दोषी अगर इसके अंदर कोई है तो उनके कार्रवाई की जाएगी 302 और धारा 3 की जो कार्रवाई की जाएगी। और हमें पूर्ण विश्वास है आज पुलिस प्रशासन के ऊपर विश्वास है, हमारे एसपी साहब बहुत ही सक्रिय हैं और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होगी। लोगों को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के मकसद से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टोंक जिले के गांव बरौनी में पहुंची, जहां साबर कांटा जारी के दुग्ध वाहनों से 10 से ज्यादा सैंपल कलेक्ट किए। हमारे संवाददाता ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर से खास बातचीत की। मिलावटखोरों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त है और आज टोंक जिले के दोताना रोड पर स्वास्थ्य विभाग टीम द्वारा कार्रवाई जारी है। इस वक्त हम बात करें तो साबरकांटा जो डेयरी जाती है यहाँ का ये रास्ता है और यहाँ पे जितने भी टोंक क्षेत्र की जो ब्लॉक की और निवाई ब्लॉक की जो गाड़ियाँ आती है यहाँ पर आती है, यहाँ से उनका सैंपलिंग लिया जा रहा है। यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जोड़ना चाहेंगे। सर देखिए किस तरह की कार्रवाई है, क्या सूचना है और क्या कहेंगे आप इसको लेकर? ये जनरल चेकिंग है, इसमें दूध अभी दूध का कंजप्शन थोड़ा कम है, दूध की मात्रा ज़्यादा हो रही है, इसलिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी हमें सर्विलेंस के अंतर्गत कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसमें आज हमने बरौनी साबर डेयरी है उसमें जितने भी ग्रामीण बूथ लगे हुए हैं वहाँ से दूध कलेक्ट करके यहाँ लाया जाता है, तो हम हर गाड़ी की चेकिंग करके उसे सर्वेलेंस के तहत सैंपल लेकर के जांच के लिए भेजेंगे। उसमें अगर किसी तरह की कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसमें आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए सर, समय समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है, जो मिलावटखोर है उनको क्या कहेंगे आप? टोंक जिले में मिलावटखोरों को मैं एक चेतावनी स्वरूप कहना चाहूँगा कि अगर इस ज़िले में किसी भी तरह की मिलावट करके आम उपभोक्ता के खिलाफ कोई को असुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की चेष्टा करेगा तो जेल में होगा, उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई होगी, उसको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। देखिए बात करें साल भर की, पिछले दिनों भी आपने सैंपल लिया है, अब तक कितने सैंपल जिले भर में लिए गए हैं और कितने जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं उन लोगों को अंतिम परिणाम तक पहुँचाया? इस साल की मैं बात बताऊं आपको, लगभग 350 सैंपल हमने कलेक्ट किए हैं, उनमें से 100 सैंपल के आसपास उसमें मिलावट पाई गई है। कुछ गंभीर प्रकृति की मिलावट है जो माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है, उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित है माननीय न्यायालय जो भी उसको दंड देगा वह स्वीकार्य होगा, आगे हम कार्रवाई कंटिन्यू जारी रखेंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ऐसी मंशा है कि आम जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो, इस लाइन लेंथ पे हम काम कर रहे हैं। जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ प्राप्त हो इसको लेकर आज कितने सैंपल लिए जा चुके हैं और आगे किस तरह के करेंगे? आज हम लगभग 15 सैंपल हमने अभी कलेक्ट किए हैं और आगे भी अभी कार्रवाई जारी रहेगी। बिल्कुल, आगे भी स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई जारी रहेगी। ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण जी गुर्जर, जिनका कहना है कि ज़िले भर में मिलावटखोरों को लेकर प्रशासन सख्त है और जो भी मिलावट करेगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कजोड़ गुजर नवतेज टीवी निवाई टोंक। खबर झालावाड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र से है, जहां मंदिर के एक पुजारी ने युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके बाद युवक घायल हो गए और आसपास के लोगों ने इसे अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि युवक अपनी दादी के अंतिम संस्कार से वापस आ रहा था और रास्ते में स्थित एक मंदिर पर पानी पीने लगा। इसी दौरान मंदिर के पुजारी ने
उससे झगड़ा करने लगा। पुजारी ने कुल्हाड़ी से युवक पर हमला कर दिया और फरार हो गया। वहीं पुलिस ने घायल का बयान दर्ज कर लिया और आरोपी पुजारी की तलाश में जुट गई है। मेरे छोटा भाई का लड़का। क्या नाम है इसका? बबलू। किसने हमला करा बबलू पे? राजू महाराज ने। क्या मामला हुआ, क्या झगड़ा हुआ था इनके बीच? हमारे मेरी मामी जी एक्सपायर हो गई थी तो उसका अंतिम संस्कार करके वहाँ नहाने के लिए गए थे। बाकी सब लोग वहाँ से नहा के आ गए थे। सूरज और ये बबलू वहाँ थे तो ये के बबलू क्या वहाँ पानी पीने चले गए मटकी में। वो मटकी में पानी पीने के चक्कर में उसने कुल्हाड़ी मार दी। अच्छा अच्छा, तो क्या हुआ, उसको पकड़ लिया फिर महाराज को आरोपी? अभी तक तो कोई सूचना नहीं है, तो हमें पता ही नहीं। हम तो यहाँ अस्पताल में। काई से करा हमला? कुल्हाड़ी की थी। सिर में है या गर्दन पे? गर्दन पे कुल्हाड़ी से हमला। हाँ। कोई पुरानी रंजिश भी नहीं थी? कोई रंजिश नहीं होता, सुखेत रहता होता, यहाँ तो वही रहता। सोलो थे हम तो क्या खाली मटकी का हाथ लगा दिया जिस वजह से हमने पानी पिया मटकी में जिसमें उसने इतनी। एक महिला ने बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन सहित 9 आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो की धारा में केस दर्ज करवाया है। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म तो किया ही है, साथ ही उसकी सहेली को भी शिकार बनाया। उसकी बेटी के सामने अश्लील हरकत करते और जो महिला घर पर नहीं होती तो बेटी के साथ छेड़छाड़ करते। दुष्कर्म के साथ ही पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने में बाधा उत्पन्न करने और महिला को धमकाने का भी आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। परिवादिया राजीव गांधी नगर थाने पर आकर के एक परिवार दिया था जो कॉग्निजेबल ऑफेंस का पाए जाने पर उसमें मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए ADCP सिकाऊ को उसका इन्वेस्टिगेशन दिया गया है। त्वरित गति से अनुसंधान करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी अनुसंधान का नतीजा है तदनुसार कार्रवाई की जाए। 376D पॉक्सो एक्ट और इसके अलावा अन्य धाराएँ इसमें लगी हैं क्योंकि ये गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है तो इसमें 164 के बयान कंपलसरी होते हैं। इसके अलावा मेडिकल और अन्य जो प्रक्रिया है वो अनुसंधान आयोग को जिसको दिया गया उसको ये निर्देशित किया गया है कि त्वरित गति से अनुसंधान करें और ये सुनिश्चित करें कि अनुसंधान का निष्कर्ष जल्द से जल्द। महिला ने यदि कोई इस तरीके का परिवार या कोई जान का खतरा बताया होगा तो बिल्कुल दिया जाएगा। अभी तक मेरी जानकारी में ये चीज़ नहीं है, परंतु कल मेरी जानकारी में आने पर मैंने SHO को ये जरूर निर्देशित किया था कि ये इंश्योर करें कि जो भी परिवार है उसकी सुरक्षा पूरी तरीके से की जाए। राजस्थान के अजमेर जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सुनार की दुकान में लाखों रुपए की कीमत के गहने चुराने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और 2 नाबालिगों को डिटेन किया है। पूरे मामले का खुलासा अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने किया है। मामले की जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि अजमेर शहर के अंदर कुछ दिन पूर्व देर रात नया बाजार के पास सागर ज्वेलर्स की दुकान में अज्ञात बदमाशों ने ताले तोड़कर सोने चांदी के आभूषण समेत नकदी लेकर फरार हो गए थे। जिले की स्पेशल टीम सहित थाने की टीम ने मिलकर 200 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले और जो हमारी साइबर टीम के द्वारा 3 नामजद व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अजमेर शहर के अंदर 14-15 दिसंबर की मध्य रात्रि को जो नया बाजार है वहाँ गोल प्याऊ के पास में एक सागर ज्वेलर्स जो शॉप है वहाँ से अज्ञात नकबजन है वो ताले तोड़ करके और सोने चांदी के आभूषण मूर्तियाँ और कुछ नकदी लेकर के फरार हो गए थे। इसके आधार पे 15 तारीख को मुकदमा दर्ज किया गया और हमारी जो ज़िले की जो स्पेशल टीम है DST टीम और CO की टीम और जो कोतवाली थाने की टीम है उन्होंने लगभग शहर के 200 से ज़्यादा जो कैमरे हैं CCTV कैमरे उनके रिकॉर्ड को खंगाला। अभ्या कमांड सेंटर से जो हमारे कैमरे हैं उनके रिकॉर्ड को खंगालते हुए और जो हमारी साइबर टीम है उसके टेक्निकल विश्लेषण के आधार पे हमने 3 व्यक्ति हैं वो नामजद किए गए। उसके बाद में टीम ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आज सुबह एक जो प्रकाश नाम का व्यक्ति है उसको अरेस्ट किया है और जो 2 नाबालिग है उनको डिटेन किया है। खबर राजस्थान के कुचेरा से है जहां खजवाना चौराहे के पास एक्सीडेंट में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक्सीडेंट बुलेरो कार की चपेट में आने से हुआ। वहीं अब मृतक का परिवार नौकरी और मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। नगरपालिका अध्यक्ष तेजपाल मृतक दोनों परिवार वालों को एक एक सदस्य को भैरव पार्क में संविदा पर नौकरी देने का आश्वासन दिया है और रेवंत राम डांगा ने दोनों परिवार के बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई निःशुल्क पढ़ाने की बात कही है।
पांच के लोगों से अभी जो बात हुई उसके अंदर जो सरकारी योजना है वो तो सारा लाभ मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा दो जनों को एक एक परिवार से एक एक जने को संविदा के ऊपर पार्क में काम करने पर लगाएंगे। और रेवंत राम जी ने अपनी तरफ से भी जो घोषणा की वो ये बताया कि भाई उनके बच्चे 12th तक अगर इनकी स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोई फीस के आगे पढ़ाएंगे। और अभी जो मोटर मालिक है उससे भी मिलके उसकी तरफ से क्या हो सकता है वो करके वापस यहाँ पे इन्फॉर्म कर देंगे, बता देंगे उनके परिवार को। जो रात को दुर्घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण, जो सरकारी सहायता जो सिस्टम्स हैं वो मिलनी चाहिए और उनका क्लेम बच्चों को इनके बच्चों को क्लेम मिलना चाहिए। चिरंजीवी योजना चालू है उसका भी फायदा मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री सहायता कोष हैं जो भी सहायता मिले वो भी समय पर मिले। और मोटर मालिक से उनसे भी हम बात करेंगे। और चेयरमैन साहब इनके दो परिवार के जो इनके बच्चे तो छोटे हैं इनके वाइफ को संविदा पे नगर पालिका में नौकरी देंगे। और मैं भी प्रयास करूँगा स्कूल में सीनियर तक बच्चा पढ़ेगा उनकी कोई फीस नहीं लगे। कोटा के एक स्कूल से अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां कई प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को सांता क्लॉज की ड्रेस पहनकर आने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसके खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को जाकर ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष गिरिराज गौतम ने कहा कि निजी स्कूलों की ओर से बच्चों को सांता क्लॉज की ड्रेस पहनने का दबाव बनाया जा रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति नहीं है, भारत सांता क्लॉज का नहीं बल्कि संतों का देश है और स्कूलों का इस तरह से दबाव बनाना उचित नहीं है। आज संपूर्ण विश्व में भारतीय सनातन संस्कृति का परचम लहरा रहा है, पूरी दुनिया में भारतीय सनातन संस्कृति का डंका बज रहा है। वहीं दूसरी ओर कोटा में कई निजी विद्यालय क्रिसमस के नाम पर बच्चों को उनके अभिभावकों को बाध्य कर रहे हैं कि वो क्रिसमस के दिन सांता की ड्रेस पहन के आएँ, जोकर बन के आएँ, ऐसी वेशभूषा पहन के आएँ। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, सभी धर्मों का सम्मान भारत की धरती पर है, लेकिन ये सनातन संस्कृति का राष्ट्र है, ऋषि मुनियों का राष्ट्र है और इसके अंदर पाश्चात्य संस्कृति का पक्ष धर्म नहीं है। हम लगातार पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी रहे हैं। आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर ये आग्रह किया है कि ऐसे जितने भी निजी विद्यालय हैं जो क्रिसमस के नाम पर बच्चों पर दबाव बना रहे हैं कि आप इस तरह की ड्रेस पहनकर आएँ, इस त्यौहार को मनाएं, स्कूल के नियमों का हवाला देकर अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं, जबकि न तो अभिभावक चाहते हैं न बच्चे चाहते हैं, वो भारतीय सनातन संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, लेकिन कई विद्यालय इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हमने कहा है कि ऐसे सभी निजी विद्यालयों को पाबंद किया जाए और अगर उसके बावजूद भी कोई निजी विद्यालय इस तरह का दबाव बनाता है तो उसकी जिम्मेदारी और हमें हमारे पास सूचना आती है तो उस विद्यालय के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी उसकी जिम्मेदारी स्वयं उस स्कूल की होगी। श्री गंगानगर विश्वास फाउंडेशन संस्था की ओर से आने वाली 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होने वाले मेडिटेशन सत्संग समागम किया जाएगा जिसके लिए हनुमानगढ़ रोड स्थित विश्वास विद्या मंदिर परिसर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यहां विद्यालय परिसर में 4 दिनों में 8 मेडिटेशन सेशन लगेंगे। इन मेडिटेशन सेशनों में शहर के अनेकों प्रतिष्ठित लोग ध्यान से जुड़ेंगे। संस्था के अध्यक्ष आत्मज्ञान गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 दिवसीय मेडिटेशन समागम पूर्ण रूप से निशुल्क है और इसमें बाहर से आने वाले सभी लोगों को रहने और खाने की भी सुविधा संस्था की ओर से निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। जोधपुर में यू ग्रो कैपिटल ने लघु उद्योग भारती के साथ मिलकर छोटे व्यवसायों को सरकारी योजनाओं के बारे में शिक्षित करने और डिजिटल क्रेडिट का प्रचार प्रसार करने के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। यू ग्रो कैपिटल के संस्थापक शचिंद्र नाथ ने बताया कि एमएसएमई ऋण पर केंद्रित एक डेटा टेक एनबीएफसी कंपनी है जो लघु उद्योग भारती के साथ मिलकर काम करती है जो राजस्थान के जोधपुर में स्थित लघु उद्योग भारती सूक्ष्म उद्यमों की सहायता और प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित एक संगठन है। यह आयोजन 100 नियोजित सेमिनारों में से पहला है। यू ग्रो कैपिटल की ओर से आज ये एक वित्त को लेकर कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे प्रमुख उद्यमी भी हैं, साथ में कुछ ऐसे हमने स्टूडेंट को इसमें यहाँ बुलाया है जो अभी इसके डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ले रहे हैं और ट्रेनिंग के बाद में अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं। अभी जैसे आपने एक एमडी साहब से क्वेश्चन किया था कि जब सरकारी बैंक ऑलरेडी लोन दे रही है तो आप लोगों को कौन प्रोवाइड देगा, तो बिल्कुल सही बात है, सरकारी लोन दे रही है, लेकिन आपने ये भी नोट किया होगा कि सरकारी जितने बैंक हैं
वो बड़े जितने भी जो लोनी हैं जिनकी रिक्वायरमेंट करोड़ों में है उनको लोन बड़े लोन बड़े आसान से मिल जाता है, लेकिन जिनकी रिक्वायरमेंट 2 लाख 5 लाख 10 लाख या 25 लाख से कम है उनको लोन लेने बहुत बड़ी तकलीफ आती है। तो इसलिए कारण हम लोगों ने इनके साथ में टाइप किया है और जो लघु उद्योग भारती हमेशा एमएसएमई सेक्टर कैसे ग्रो करे, एमएसएमई सेक्टर कैसे आगे बढ़े और एमएसएमई सेक्टर की क्या प्रॉब्लम है उसके रिड्यूसल के लिए हमेशा काम करती आई है। हम लोग एक पूरे देश में अभियान चला रहे हैं, हमारे जो हम लोग मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं उनका एक बड़ा अभियान चला अभी 2 वर्ष से कि अधिकांश लोग जो देश में बेरोजगारी की समस्या है उस बेरोजगारी की समस्या का निराकरण करने का काम केवल सरकार का नहीं है, हम जितने भी जो समाज में काम करते हैं उनकी भी एक ड्यूटी है कि हम बेरोजगार दूर करें। हम चाहते हैं कि हम लोग लोगों को ट्रेनिंग दिलाते हैं और ट्रेनिंग के बाद में ट्रेनिंग लेने के बाद में चूँकि धन के अभाव में वो अपना काम शुरू कर नहीं पाता तो हम चाहते हैं कि ट्रेनिंग लेने के बाद में उसको धन की आसान से मिल जाए तो वो लोग काम कर सके। हमने यहाँ जोधपुर के आसपास पाली और ब्यावर और अजमेर में भी कई लोगों को ट्रेनिंग दी है लेकिन वहाँ समस्या ये आ रही है कि उनके पास में पैसों की लघु उद्योग को ऋण देने की एक डेडिकेटेड कंपनी है। विगत 5 वर्षों में हमने कोशिश की है कि भारतवर्ष में जो ऋण की समस्या है उसको हम दूर कर सकें। 8,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन हमने मुहैया कराया है, करीब 70,000 से ज़्यादा कस्टमर को दिया है। हमको ऐसा लगता था कि हमारे देश के जो छोटे बिजनेस हैं छोटे व्यापारी हैं उनको जो ये ऋण की समस्या है वो कई कारणों से आती है तो एक बहुत मैसिव अवेयरनेस करने की आवश्यकता है और इससे हमारा सौभाग्य है कि लघु उद्योग भारती ने हमारे साथ ये साझेदारी की है जिसमें हम देश के 100 से ज़्यादा लोकेशन पे जाके छोटे बिजनेसेस को ऋण लेने के लिए क्या करने की ज़रूरत है वो हम बता पाएंगे अपने एक्सपीरियंस से। देखिए ऐसा होता है कि बड़े बैंक हम देश के 10 बड़े बैंकों के साथ भी काम करते हैं, बैंकों का जो ऋण देने का जो तरीका उनको छोटे बिजनेस को जो समझने का तरीका होता है और जो हम NBFC या फिनटेक कर पाते हैं उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। तो जो हम हमारे जो देखने का तौर तरीका है हम बहुत डेटा GST बैंकिंग जो हमारे देश में एक जिसको हम बोलते हैं भारत बदल रहा है तो ये जो डेटा नया इंजन क्रिएट हुआ है हम उसके बेसिस पे लेंड करते हैं। और जहाँ तक ऋण की ब्याज की दर की बात है क्योंकि हम बैंकों से पार्टनरशिप करते हैं तो हम बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट पे करते हैं, हम 10% से लेके 18% तक जितने जिस टाइप का कस्टमर है उस टाइप का। रोटरी क्लब जोधपुर के 75वें वर्षीय प्लेटिनम जुबली का 3 दिवसीय कार्यक्रम अमृतम पैलेस में आयोजित किया जा रहा है। तीनों ही दिन समस्याओं गरीबी और विकास पर अलग अलग मंथन किया जाएगा। इस प्लेटिनम जुबली के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश राजस्थान समेत पूरे भारतवर्ष से 1,000 सदस्य शिरकत करेंगे। कमलानगर अस्पताल के MD डॉक्टर राम गोयल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 22 दिसंबर को 4 बजे कार्यक्रम की शुरुआत झंडारोहण के साथ शुरू होगी। अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें नवदेश TV के साथ। नमस्कार।